हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था, अभी तक जो हार्मोन्स हैं वो हमने देख लिए हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस मतलब कि पिट्यूटरी और थायराइड, ठीक है, और पैराथायराइड भी हमने देखा, उसके अलावा थायमस ग्लैंड भी हमने देखी और पीनियल ग्लैंड देखी, ठीक है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है पैनक्रियास, ठीक है। तो पैनक्रियास जो है वो मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, ठीक है, इसमें मिक्स्ड टाइप ग्लैंड रहती है। मिक्स्ड टाइप मतलब कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, दोनों रहती हैं और दोनों ही जो है डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। एंडोक्राइन चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पैनक्रियास जो होता है, इसकी लोकेशन यदि हम देखें तो लोकेशन कहाँ होती है, बिलो द स्टमक, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो है और ओरिजिन, ओरिजिन जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। एंडोडर्म जो होती है एम्ब्रॉय की, उससे पैनक्रियास बनता है। स्ट्रक्चर जब देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो होता है वो इलॉन्गेटेड है, ग्लैंड जो होती है पैनक्रियास, ठीक है। यदि ये स्टमक जो है, तो यहाँ पे जो है ये हमारी पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज होता है, ठीक है। ऐसा इस प्रकार जो है दिखता है, येलोइश कलर की जो है ये ऑर्गेन होता है, ठीक है। पैनक्रियाज येलोइश कलर का, ये देखिए आप, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ये स्टमक है, ठीक है, ये डियोडनम है और ये है हमारा पैनक्रियास, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कुछ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यस, लोब्यूल्स रहते हैं इसमें जो पैनक्रियास रहता है, ठीक है, लॉन्ग लोब्यूल्ड लोब्यूलेटेड ग्लैंड, ठीक है, और येलोइश कलर की दिखती है, ठीक। इसके यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए लोब्यूल्स का, तो उसमें क्या होता है, जो लोब्यूल्स रहते हैं उसमें राउंड एसिनाइज होते हैं, ठीक है। जो ये ईच लोब्यूल्स दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो पेरीफेरी जो रहती है लोब्यूल्स की, उसमें इस प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं राउंड, और इन्हें कहा जाता है एसिनस, ठीक। ठीक है, ये है एसिनाइज, ठीक है। ये जो होता है ये पेरीफेरी पे रहते हैं और इनके बीच में जो है, ठीक है, और ठीक है, इस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू रहता है बीच में, स्ट्रोमा जिसे कहा जाता है, वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इनके बीच में
रहता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है कुछ स्ट्रक्चर रहता है हमारा लोब्यूल्स का, पैनक्रेटिक लोब्यूल्स का, जिसमें ये जो पेरिफेरी में हमें दिख रही हैं ये एसिनस कहलाते हैं या एसिनाई कहलाते हैं, और इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो एसिनस। ठीक, और ये जो एसिनाई रहते हैं ये क्या करते हैं, दिस इज स्ट्रोमा बिटवीन द एसिनाई। ठीक है, ये जो एसिनाई रहते हैं ये पैनक्रिएटिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, और ये पैनक्रिएटिक जूस जो रहता है ये क्या होता है, इन बिटवीन यहाँ पे डक्ट होती है, ठीक है, साथ ही ब्लड वेसल्स होती हैं, ओके, और बीच में जो है कैविटी रहती है एसिनस की। ठीक, इस प्रकार दिस इज द कैविटी इन बिटवीन द एसिनस, और ये जो एसिनाई रहते हैं इनके बीच में जो है, इन इन बिटवीन दोज एसिनाई देयर आर डिफरेंट अदर सेल्स। ठीक है, अब वो सेल्स कौन सी हैं, ठीक है। तो जो एसिनाई होते हैं, ठीक है, ये एसिनाई है, ठीक है, एसिनस जो कि पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करते हैं, ये है एसिनाई की कैविटी, एसिनस कैविटी। ठीक, इन बिटवीन देयर इज स्ट्रोमा, ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट, और ब्लड वेसल्स। ठीक है, फाइन, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, और इनके बीच में जो रहती हैं वो रहती हैं ग्लैंड्स। ठीक, और सॉरी नॉट ग्लैंड्स, ये सेल्स इन्हें कहा गया है, और ये फोर टाइप्स सेल्स रहती हैं। ठीक है, लार्जर जो बड़ी साइज में रहती हैं बट फ्यूअर, उन्हें कहते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर बट न्यूमरस, ठीक है, जो ज्यादा अधिक संख्या में रहती हैं वो बीटा सेल्स। ठीक है, और डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। ठीक है, तो ये जो रहती हैं ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स रहती हैं, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज में उसमें ये सेल्स होती है, और ये जो है ये सिक्रीट करती है कुछ हॉर्मोन्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखा हमने, पैनक्रियाज में लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और लोब्यूल्स में एसिनाई होते हैं, एसिनाई में कैविटीज होती है, और ये एसिनाई जो होते हैं ये पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करते हैं जो कि पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ड्यूओडेनम में जो है रिलीज कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा, इनके बीच में जो है फोर टाइप ऑफ सेल्स रहती है जो कि एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और वो जो है सेल्स हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल। इसमें से जो बीटा सेल्स रहती हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं, और ये बीटा सेल्स जो है ये क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, बाकी सभी जो सेल्स हैं वो जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनके क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बीटा सेल्स जो कि क्या सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन हार्मोन। ओके, और इन सेल्स को कहते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस।
ठीक है, इन सेल्स को जो कि बीच में एसएनएस के बीच में होती हैं, उन्हें कहते हैं रैंडमली ये होती हैं, और इन सेल्स को टुगेदर वी कॉल आइलैंड ऑफ लैंगरहंस, जिसमें कि ये फोर सेल्स आती हैं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, जो कि सिक्रीट होता है बीटा सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये इंसुलिन जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्या फंक्शंस है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में जो आइलैंड ऑफ लैंगरहंस होता है उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं दे सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन। ठीक, फंक्शंस, तो इंसुलिन का जो फंक्शंस है वो है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो हमारी सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म होती है, सारी जो सेल्स हैं बॉडी की उसमें जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये अफेक्ट करता है। तो ये ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मतलब कि जेनेसिस मतलब कि बनाना, और ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोजेन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है ये एनकरेज करता है। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाता है, साथ ही सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो है इंसुलिन करवाता है। यदि बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना पाती, ठीक है। तो सबसे पहला ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजिनेसिस कराना, और सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज कराना, ठीक है। तो जो सेल्स हैं जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके रेस्पायरेशन में, सेल्यूलर रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है उसके लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन हार्मोन कैसे एक्ट करता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम फंक्शंस देख रहे हैं, जो मैकेनिज्म है उसके एक्शन की वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन की, ठीक है। इट प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और इट रिड्यूसेस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन का एक्सेस ब्रेकडाउन है वो इसे रोकता है इंसुलिन, और इस प्रकार जो हमारी बॉडी में जो बॉडी बिल्डिंग होती है प्रोटीन्स के कारण वो हो पाती है, ठीक है। यदि किसी कारण से इंसुलिन की कमी होने लगे तो प्रोटीन जो है वो रेडिली ब्रेक डाउन होने लगेगा और मसल वास्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है खासतौर से प्रोटीन की बनी हुई है, तो यदि प्रोटीन जो है मसल्स का वो ब्रेक डाउन होने लगेगा इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। लेटर ऑन वी विल रीड ऑल द जो भी डेफिशिएंसी कॉज कर इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है और साथ ही उसका ब्रेकडाउन रोकता है। फैट में भी सिमिलर काम करता है, ये सिंथेसिस को बढ़ाता है, सिंथेसिस ऑफ फैट्स को प्रमोट करता है और उसका ब्रेकडाउन काम करता है, रिड्यूसेस ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। ठीक है, और ग्लाइकोजेनेसिस करके लीवर में जो स्टोरेज होता है, हमेशा हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोजन रहता है यदि वो एक्सेस हो तो वो क्या होता है, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, सो दैट इन केस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हम उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के हमने मेटाबॉलिज्म देखी, इसीलिए जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि कहते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया, यदि ब्लड में ग्लूकोज अधिक होने लगेगा तो वो स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को सिक्रीट करने के लिए इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो पेनक्रिया जो है
इसका सिक्रीशन जो होता है इट इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो वो ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को टू सिक्रीट द इंसुलिन. ठीक है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं डाइजेशन होता है और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इस प्रकार फिर हम ग्लूकोज जो है ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ इंसुलिन. ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना और स्टोर करना, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के कारण हो पाता है, इंसुलिन के कारण ही सेल्स ग्लूकोज का अपटेक कर पाती है और उसको यूटिलाइज कर पाती है. तीसरा, प्रोटीन उसकी सिंथेसिस करवाता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोकता है. इस प्रकार बॉडी बिल्डिंग में भी इंसुलिन हेल्प करता है. फैट्स की सिंथेसिस कराता है और उसका ब्रेकडाउन जो है फैट का वो रोकता है. अब हम देखेंगे कि यदि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए इन एनी केस ड्यू टू एनी थिंग तो क्या प्रॉब्लम होती है. हम देख रहे हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू इंसुलिन हार्मोन डिसऑर्डर. अच्छा, अब यदि इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने के कारण यदि हमारी सेल्स ग्लूकोज अपटेक ना कर पाए या ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगे तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस. आपने बहुत सुना होगा कि किसी को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है. उसमें क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल है, शुगर मतलब कि ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. उसका बढ़ने का कारण ये रहता है, या तो डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, या फिर जो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हार्मोन रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, टारगेट ऑर्गन पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे कि हार्मोन जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से पूरी फंक्शनिंग आगे होती है. तो इन सम केस क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा होता है लेकिन जो इंसुलिन है वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाता ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर्स. ठीक है, और उसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन. तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम रहेगी और उसके कारण जो डायबिटीज है वो कॉज होगी, मतलब कि उसके कारण जो ग्लूकोज है उसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा. इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. मतलब कि जो डायबिटीज है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण है, तो वो हो गई इंसुलिन डिपेंडेंट, कि जो इंसुलिन पे डिपेंड करती है. दूसरा है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन, जिसमें कि इंसुलिन तो है बॉडी में लेकिन फिर भी वो डायबिटीज कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी लिखते हैं इन्हें. ठीक, तो ये हो गई इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. दोनों में ही लगभग सिमिलर जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, वो हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है.
सिम्टम्स क्या होते हैं यदि इंसुलिन की कमी के कारण या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण जो है बॉडी में यदि इंसुलिन प्रॉपर वर्क ना करे या उसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इंसुलिन की कमी होगी या वो काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज, जब हम खाना खा रहे हैं और ग्लूकोज जो है हमारी डाइजेशन में डाइजेशन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ रहा है तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का अपटेक सेल्स नहीं कर पाएगी और ना ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर हो पाएगा। तो क्या होगा कि ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो क्या होगा कि जो ब्लड है उसकी ऑस्मोसिस ज्यादा होने लगी, उसकी ऑस्मोसिस ज्यादा होने लगेगी तो क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो बढ़ने लगेगा, यूरिन में एक्सक्रीशन होने लगेगा ग्लूकोज का, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हमारे ब्लड में ज़्यादा होने लगती है, एक्सेस मात्रा में होती है तो उसे यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, तो जब यूरिन का टेस्ट किया जाएगा तो यूरिन में ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मली ग्लूकोज नहीं होता है यूरिन में, और यदि ग्लूकोज मौजूद है यूरिन में तो दैट इंडिकेट्स कि देयर इज इंक्रीज्ड शुगर लेवल इन ब्लड। ठीक है, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन होगा और इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बार बार जो है अर्जिंग होगी यूरिनेशन के लिए। ठीक, ओके, अब दूसरा हमने देखा था कि क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा था और साथ ही प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोक रहा था, लेकिन जब इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा कि जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है वो बढ़ने लगेगा और जो हमारी मसल्स है जिसमें कि प्रोटीन रहता है अधिक मात्रा में, तो जो प्रोटीन है वो मसल्स से जो है लेकर और उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा। मसल्स के ब्रेकडाउन के कारण बॉडी वास्ट होने लगेगी और जो व्यक्ति है वो बहुत दुबला पतला दिखने लगेगा और वेट लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, बॉडी की जो हीलिंग पावर है वो कम होने लगेगी अधिक ग्लूकोज की वजह से भी और दूसरी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से जो हीलिंग पावर है वो कम होने लगेगी। और इसलिए यदि डायबिटीज के पेशेंट को कोई इंजरी हो जाए तो वो बहुत ही स्लो हील होती है। ठीक, ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स विच आर ड्यू टू द डायबिटीज मेलाइटस। इन डायबिटीज मेलाइटस ये सिम्टम्स होते हैं एंड दे आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक, ओके, अदर थिंग्स आर कि हमने देखा था कि फैट का जो ब्रेकडाउन है वो भी इंसुलिन रोकता है, तो इंसुलिन का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगेगा डायबिटीज मेलाइटस में। और जब फैट्स ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, तो जब फैट्स का ब्रेकडाउन होगा, लाइसिस होगी, तो कीटोन्स और बॉडी जो है वो शरीर में बढ़ेगी। ठीक है, ब्लड में कीटोन्स जो है वो बढ़ने लगेगी और यदि एक्सेस कंडीशन में ये हो जाए कि ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है और अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, ओके, ओके, साथ ही जो विजन है उस पे भी ये डायबिटीज जो है वो कॉज करती है। ठीक है, विजन जो है इसकी, इसके कारण ब्लर्ड रहती है क्योंकि डायबिटीज जो है वो रेटिनोपैथी कॉज करता है, जो रेटाइना होता है उसमें जो है पैथोलॉजी कॉज करता है, जिसके कारण जो विजन है वो हमारी अफेक्ट होती है, ब्लर्ड विजन इसमें होती है। ठीक है,
ठीक है। साथ ही पेन्स हो सकते हैं, न्यूरेलजिक पेन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नर्व्स होती हैं उसको भी, जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज में नर्व्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, और इसलिए न्यूरेलजिक पेन्स हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। किसी भी पेशेंट को डायबिटीज यदि होगा तो ये जो है प्रॉब्लम्स होती है। यदि नॉर्मल फिजियोलॉजी हमें पता हो तो डिसऑर्डर हम आराम से किसी भी डिजीज के लिख सकते हैं कि यदि डायबिटीज में इंसुलिन कम है तो क्या क्या होगा, वो फंक्शंस अफेक्ट होंगे जो कि इंसुलिन के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है, यूजुअली इंसुलिन का सप्लीमेंट दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लड शुगर लेवल है वो थोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल्सो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में भी जो है, जब नया इंसुलिन दिया जाता है तो उसकी वजह से जो बॉडी है वो रिएक्ट करने लगती है, इसलिए एक्सटर्नल इंसुलिन को बॉडी रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायबिटीज मेलाइटस, जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है, या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण होता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन की, ग्लूकेगॉन हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, टिल देन यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन रिवाइज।